पाकिस्तान के मैच का इंतजार दोनों देशों को होता है और इन दोनों के बीच खेले जाने वाले मैच का इंतजार सभी को बेसब्र बना रहा है। जैसे जैसे मैच की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है और इस एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि 16 जून को होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच को लेकर दोनों देशों के बीच विज्ञापन जंग अभी से शुरू हो चुकी है। भारत पाक के बीच जारी इस विज्ञापन जंग को देखते हुए भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने आपत्ति जताई है। भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे का मजाक बनाने पर सानिया मिर्जा ने ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। विज्ञापनों को लेकर किया गया सानिया मिर्जा का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ट्वीट में सानिया मिर्जा ने लिखा है कि बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे गंभीर विज्ञापन, सच में आप लोगों को मैच की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, खासकर इस बकवास के साथ। इस मैच की तरफ पहले से ही लोगों का काफी ध्यान है, ये केवल क्रिकेट है और अगर आपको लगता है कि इन सबसे ज्यादा है तो इसे हासिल करें। सानिया मिर्जा ने अपने ट्वीट के जरिए विज्ञापन पर आपत्ति जताने के साथ ही लोगों को सलाह भी दी है कि ये केवल मैच है, इसलिए गलत विज्ञापनों से इसकी मार्केटिंग ना करें। आपको बता दें कि इस विज्ञापन में भारत को पाकिस्तान के पिता के रूप में दर्शाया गया है। इस विज्ञापन के जवाब में पाकिस्तान ने भी विज्ञापन जारी किया है जो कि विंग कमांडर अभिनंदन के ऊपर बनाया गया है। इस विज्ञापन में अभिनंदन के हाथ में रखे चाय के कप को क्रिकेट कप से जोड़कर दिखाया और बताया जा रहा है, पर लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ इसके मैच का इंतजार है। लेकिन अगर बात करें मैच की तो लोगों को अभी तो बेसब्री से इंतजार है इस मैच के होने का, साथ ही ये देखने का कि टीम इंडिया किस तरह से अपने अभी तक के मैच जीतने वाले प्रदर्शन को बरकरार रखती है।